ज्योति को लगता है इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर, और जब डॉक्टर ने ठीक है ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड जब निकाले तो रोने लगी बांदर जैसन। अभी ठीक लग रहे हैं पहले से, है ना? तो पहले से बेहतर लग रहा है, ठीक है, तो ठीक हो जाएगी जल्दी से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। एंड मैं तो ठीक हूँ। ये थोड़ा सा इतना सा ठीक नहीं है, इसका बस स्माइल गायब हो गया, ठीक है ना? और इसका स्माइल जब गायब हो जाता है ना तो मैं पागल हो जाता हूँ, ठीक है? पता नहीं व्हाई। तो हुआ है यूँ कि कुछ दिनों से टाइफाइड इसको हो गया है। एंड इलाज तो कराएं जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे, मतलब हमारा जहाँ गांव है, ठीक है, मतलब सिमरिया दाढ़ी सिमरिया में करवाएं इलाज, पर कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। तो कहीं से पता चला, ठीक है, चतरा में अच्छा इलाज होता है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। और ये वीडियो बनाने का ख़ास रीज़न ये था, ये नहीं बताना कि इसको टाइफाइड हुआ है, मुझे ये बताना था कि अगर ठीक हो जाता है, मैं अभी सारा एड्रेस बताऊँगा, तो ये चतरा में पड़ता है, तो घर से निकल चुका हूँ, ठीक है, मैं रास्ते में हूँ, ठीक है, देख सकते हैं, और इस टाइम में पहुँचेंगे। ऐसे मुझे डायरेक्शन तो पता है, पर नाम क्या क्या बोले वो भी मुझे पता नहीं, क्या है कि बुज़ुर्ग इंसान बताएं तो पता नहीं कि क्या है वहाँ पे। सो हरिया का ये हरिया पुल या कौन सी नदी बोले थे, सो हम भूल गए। तो भी जाएंगे एंड सारा एड्रेस बताएंगे आपको, एंड वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, एंड देखेंगे, ठीक है, कि क्या चीज़ सच में टाइफाइड के लिए वो बेस्ट डॉक्टर हैं या नहीं है। तो आने वाला समय में अगर किसी को भी होगा तो वहीं पे आप लोग जाइएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि समय समय भी मनी भी और सब चीज़ वेस्ट हो जाता है गलत जगह पे जाने से, ठीक है, गलत जगह पे इलाज कराने से। तो आई होप कि मेरे ऐसा ना हो आपको, ठीक है, तो सीधा वहीं पे जाइएगा। अगर ठीक हो जाता है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जहां पे मैं आपको फीडबैक दूंगा, ठीक है, कि हाँ ठीक हो गया है, आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं अभी तक भी हंसी नहीं है, ठीक है, तो बस इसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, कुछ समय के बाद वहां पे बताते सारा चीजें, ठीक है, ओके। तपेज है, ठीक है, तो बैग यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, एंड ये बचाने के लिए ये टूटा हुआ पेड़ है आम का यहाँ पे, ठीक है, एंड तपेज इस जगह का नाम है, ठीक है, और इसी इस गली में है, ठीक है, छोटी सी मेडिकल है यहाँ पे। यहाँ पे ज्योति ज्योति कुमारी ज्योति कुमारी दाढ़ी तो रो रही है, अभी बस 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 तो ब्लड सैंपल फिर से लिया गया ताकि पता चले, ठीक है, कि मलेरिया है, ठीक है, कि क्या है, ठीक है, कहीं नेगेटिव था वो, ठीक है, पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ है वो देखने के लिए, ठीक है। छोटा सा क्लिनिक देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट भी हैं, तो ये रो रही है अभी, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, यहाँ से सैंपल लिया गया, ठीक है, ना दर्द दे रहा है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। तो कैसा लग रहा है आपको मैम? अच्छा, बस 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 हो गया। तो ये ठीक है, अगर नहीं रहता घर दुरा, ठीक, मतलब शायद यहाँ बाहर नहीं रहते, घर पे रहते तो रोने लगते हैं पूरा पक्का ने। बस छोड़ा मत, ठीक है, ब्लड आ जाएगा, ठीक है, ठीक ठीक बस अब ठीक है, ओके ओके, अब ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से ब्लड निकाला गया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सुई से डरती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और Okay.
रिकवर से कम नहीं हुई ठीक है, बाकी बाद इलाज चलेगा ठीक है, उसके बाद फिर बताएंगे आप लोगों को फीडबैक देंगे ठीक है। ओके ठीक है, तो अभी के लिए बाय। तो ब्लड टेस्ट होने के बाद ये पता चला ठीक है कि मलेरिया और टाइफाइड दोनों था ठीक है, जो कि मैं जहाँ पे दिखाया था ठीक है सिमरियम दिखाया था, सना मेडिकल नाम है ठीक है मेडिकल का ठीक है, तो वो भी चेक किए थे पर सिर्फ टाइफाइड निकाले थे ठीक है, मलेरिया जो है नेगेटिव निकाले थे बट यहाँ पॉजिटिव निकला है ठीक है। गौर से देखने पर लाइन जो है पता चल रहा था, जो बताएं डॉक्टर कि गौर से देखता ही नहीं है लोग, तो गौर से देखने पर मलेरिया टाइफाइड दोनों जो है वो पॉजिटिव पाया गया ठीक है। तो अभी तो इलाज जो है शुरू हो गया है ठीक है, ठीक है एक बोतल ठीक है, तो अभी फिनिश्ड हो ही गया ठीक है, अब यहाँ निकलेंगे और पूछते हैं इसी से। अभी ठीक लग रहे हैं पहले से है ना, तो पहले से बेहतर लग रहा है ठीक है, तो ठीक हो जाएगी जल्दी से। एंड बुधवार को फिर से आना है, उसके बाद भी दवाई जो है वो चलेगा ठीक है, 4 दिन का दिए हैं ठीक है, फिर बुधवार को आएंगे, फिर वहाँ पे बुधवार को भी सलाइन चढ़ेगा, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या इम्प्रूवमेंट है, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे मैं बताऊँगा ठीक है। थोड़ा सा माहौल तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है ठीक है सभी चीज़ें, एंड मैं आप लोग से भी बोलूँगा ठीक है कि सही जगह पर जाएँ जहाँ पर आपको पता हो अच्छी तरह से, जहाँ पर इलाज होता हो ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहीं पे ठीक है, जब हो जाएगा पूरी बेहतर तरीके से ठीक तब ठीक है। एंड अभी अभी तो चल रहा है ट्रीटमेंट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में ठीक है, कुछ समय के बाद मतलब कुछ दिनों के बाद फिर बताएंगे आपको, फीडबैक देंगे कि कैसा फील कर रहे हैं ठीक है। ओके ये है छोटा सा क्लिनिक, और क्लिनिक का नाम जो है वो RK क्लिनिक पैथो लेबोरेटरी है, तो यहाँ पे अच्छा इलाज होता है, ज़्यादा बड़ा स्पेस है नहीं ठीक है, छोटा सा ही स्पेस है, पर देखिए आगे क्या चीज़ होता है, फीडबैक आप लोग को ज़रूर देंगे। एंड ये हैं वही सर जो इलाज करते हैं, एंड देखते हैं आगे क्या चीज़ होता है, रिजल्ट क्या चीज़ आता है, उसके बाद मैं आप लोग को पूरा और डिटेल्स बताऊँगा यहाँ के बारे में। ओके बाय।